Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Hello dear students, from class 7th, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को टोटल कंप्लीट करा दिया था। अब रही बात 8.2 की, तो आइए उसको भी देखते हैं। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया गया है एक्सरसाइज 8.1 में कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल को परसेंटेज में, या फ्रैक्शन को डेसिमल में या डेसिमल को फ्रैक्शन में। ओके, आप ये रूल याद रखिएगा, इसमें भी यूज होना है। ठीक है, तो इसमें जो एक टोटल है, इस एक्सरसाइज में जो यूज होना है, एक और फार्मूला है। जैसे कोई नंबर मिस हुआ तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, एक होता है पार्ट अपॉन होल। जैसे पूछ लिया किसी का कितना परसेंट कितना होगा, किसी नंबर्स का कितना परसेंट कितना हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। पार्ट अपॉन होल इक्वल टू परसेंट अपॉन 100। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए पार्ट किसे कहते हैं। पार्ट क्वेश्चन में एक टाइप और दिया रहेगा, पार्ट के स्थान पर इज दिया रहेगा एंड होल के अपॉन पे ऑफ दिया रहेगा। ठीक है, इज अपॉन ऑफ इक्वल टू परसेंट अपॉन 100। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी पर प्रश्नावली बेस्ड है। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज 50% ऑफ 11.34। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, परसेंट दिया है, आगे ऑफ लगाना, तो ऑफ की वैल्यू है, ऑफ की वैल्यू है। क्लियर है, इसमें भी ऑफ की वैल्यू है, परसेंट है, ऑफ की वैल्यू है, टोटल एक टाइप का है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, ये दिया है व्हाट इज 50%। यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, परसेंट की वैल्यू दिया है 50% एंड ऑफ की वैल्यू दिया है 11.34 रुपीज। क्लियर है, ओके। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज क्या फाइंड करना है, इज। क्लियर है इतना ना, परसेंट दिया है, ऑफ दिया है, इज फाइंड करना है। तो मैंने बताया था इज अपॉन ऑफ इक्वल टू परसेंट अपॉन 100। इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कीजिए, इज की वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्लियर, ऑफ की वैल्यू दिया है 11.34 इक्वल टू 100, यहाँ परसेंट की वैल्यू दिया है 50%, यहाँ परसेंट की वैल्यू पूछा था ना, इसलिए हम 50 लिखेंगे, परसेंट यहाँ नहीं लिखेंगे, अब 10 और यहाँ पर 100। क्लियर है, ओके। एक्स इंटू 100 एक्स इक्वल टू, या फिर इसको हम डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, छोटा कर दें, 51 जा 50, 52 जा 100। क्लियर, 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x अपॉन इक्वल टू 11.34 इंटू 1, इतना ना। अब यहाँ पर 2x है तो x की वैल्यू निकालेंगे 11.34 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, ये आ गया रुपीज में। ठीक है, कहने का मतलब 11 रुपए 34 पैसे का 50% जो होगा वो हो जाएगा 5 रुपए 67 पैसे। क्लियर, इसी तरह से दो पार्ट और है उसे सॉल्व करना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। डायरेक्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ 108 इज 54, व्हाट परसेंटेज ऑफ 125 इज 15। देखिए व्हाट परसेंट सभी में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दिया रहेगा, इज का दिया है, ऑफ का दिया है, तो परसेंट निकालना है। पहला देखते हैं हम, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए,
ये दिया है व्हाट परसेंट इज, यानी कि परसेंट क्या करना है हमें फाइंड करना है, ऐसे लिख दीजिएगा। ऑफ की वैल्यू दिया है 108, इज की वैल्यू दिया है 54, क्लियर। अब देखिए फार्मूला लगाइए, इज अपान ऑफ इक्वल टू परसेंट अपान 100, इसका इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। इज की वैल्यू है 54 एंड ऑफ की वैल्यू है 108 इक्वल टू परसेंट अपान 100। यहां से देखिए 54 वन जा 54, 54 टू जा 108, क्लियर है। हम परसेंट की वैल्यू निकालें, परसेंट पर हम कोई वेरिएबल को हम कंसीडर कर सकते हैं, तो एक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज इक्वल टू एक्स हम यहीं पर मान लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हो गया एक्स इंटू टू, टू एक्स इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 50%, क्लियर है, ओके। ऑफ जो जिसके जिस नंबर के आगे ऑफ दिया है वो ऑफ की वैल्यू है, और जिस नंबर के आगे इज दिया है वो इज की वैल्यू, ये इज है और ये ऑफ, इज है ऑफ है, पहला ऑफ है बाद में इज, ऑफ इज ऑफ इज, क्लियर। सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका क्या फाइंड करना है, सभी परसेंटेज का नंबर फाइंड करना है, ओके। इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए ऑफ ऑफ एंड परसेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए दिया गया है 40% ऑफ 500, यहां पर परसेंट दिया है, यहां पर ऑफ दिया है, इच की वैल्यू नहीं दिया है, तो इच की वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं, अपान ऑफ की वैल्यू है 500 इक्वल टू 40/100, क्लियर है। देखिए यहां इक्वल है, ऊपर से हम ऊपर कट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो हम यहां से 2 × 0 से 2 × 0 कैंसिल कर देंगे, एक्स वन जा एक्स इक्वल टू 5 × 4 = 20, यानी कि 200, 500 का 40% 200, क्लियर। सेम टाइप के सभी पार्ट हैं, उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा सॉल्व इच सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए मान बताइए, तो यहां दिया है 65% ऑफ 150 इक्वल टू एक्स, 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 12, इक्वल टू का मीन जहां दिया ना वो जानते हैं क्या है, वो एक्स है, इज है, जैसे इसे पढ़ा जाता ना 20% ऑफ एक्स इज 12, पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि कहां पर इज लगाया जाता है, कहां पर इक्वल लगाया जाता है, कहां पर गिव्स दिया रहता है लीनियर इक्वेशन में, ओके। इसी तरह इसमें 50% ऑफ एक्स इज 90, जो इधर इक्वल करके दिया उसे इज कहेंगे, ठीक है। आइए पहले को देखते हैं, पहले पार्ट को, ये दिया है 65% ऑफ 150, 65% फार्मूला लगाते हैं हम डायरेक्ट, 65%, तो ये 65% अपान 100 होता ही है, एंड इच की वैल्यू दिया गया है कितना एक्स, एंड ऑफ की वैल्यू 150, 1 × 0 = 1 × 0 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, क्लियर। एक्स इंटू टू, टू एक्स इक्वल टू 65 × 3, एक्स इक्वल टू 65 × 3 = कितना होता है 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 1 = 19, अपान मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 9 × 18, 7 × 14, 5 × 10, क्लियर है, ओके। x की वैल्यू आ गया 97.5, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सेम टाइप का है, व्हाट इज 25%, व्हाट इज 25% ऑफ 75%, व्हाट इज
कि इज क्या है 25% का एंड 75% ऑफ ऑफ है परसेंट है इज फाइंड करना है इसमें परसेंट व्हाट परसेंटेज परसेंटेज फाइंड करना है इसमें इज फाइंड करना है एंड इसमें परसेंट परसेंट इज परसेंट इज क्लियर है सॉल्व कीजिएगा ये सभी फार्मूला एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं ओके एक क्वेश्चन में और बताऊंगा उसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देख लेते हैं। 6 में टोटल 8 पार्ट हैं तो आइए कोशिश करेंगे कि 8 पार्ट कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है एक्सप्रेस 350 ग्राम आईज परसेंटेज ऑफ 7 किलोग्राम 560 ग्राम इसको परसेंट में एक्सप्रेस करना है ओके इज दिया है ऑफ दिया है एंड परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए इसका पार्ट ए है। देखिए इसकी वैल्यू दिया गया है मैंने बताया था पार्ट अपॉन होल इक्वल टू परसेंट अपॉन 100 जो यहाँ पर परसेंट है वो परसेंट लिख दीजिए या फिर परसेंट का साइन लगा दीजिए दोनों एक ही है ठीक है। इच की वैल्यू दिया गया है पार्ट में यानी इच की वैल्यू दिया गया है कितना 350 ग्राम अपान होल की वैल्यू दिया गया है 7 किलोग्राम 560 ग्राम इक्वल टू परसेंट फाइंड करना है परसेंट को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं अपान 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 7000 ऐड करेंगे 7560 आ जाएगा 7560 ग्राम। देखिए यहाँ पर अभी 100 लिखा जाएगा जो अगला स्टेप है वो 350 ग्राम अपान 7560 ग्राम इक्वल टू एक्स अपान 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से 100 इंटू 35 हो गया 3500 इक्वल टू 756 इंटू एक्स तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3500 में से डिवाइड करेंगे 756 से और इसे कट करने पर ये आ जाएगा 406% ओके सॉल्व कीजिएगा। अगले पार्ट को देखते हैं बी पार्ट है एन अलॉय कंटेंस 42% ऑफ कॉपर एंड द रेस्ट इन जिंक व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर इन 6.3 किलोग्राम ऑफ द अलॉय। देखिए मैंने बताया फार्मूला तो एक ही है इसी पर हमें बेस्ड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आइए इसको देखते हैं। इसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है ओके। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि अलॉय की टोटल अमाउंट क्या थी लेट द टोटल अमाउंट ऑफ अलॉय इक्वल टू 100% हमने मान लिया अलॉय का टोटल अमाउंट 100% था और क्या और अमाउंट ऑफ कॉपर दिया गया है अमाउंट ऑफ कॉपर ये दिया गया है 42% क्लियर है। यदि 100% में 42% कॉपर है तो इसमें पूछा क्या है कॉपर की अमाउंट मात्रा पूछा है ये 1 किलोग्राम के लिए ठीक है 100% के लिए। तो यहां से हम जिंक के निकालना चाहें जिंक का फिलहाल कोई काम नहीं है लेकिन जिंक का निकालना चाहें तो 100 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 42 का और यह आ जाएगा 58% इसका हमें कोई काम नहीं है मैंने बता दिया कि कैसे निकाला जाएगा। अब जो निकालना है उसको उस पॉइंट पर आते हैं निकालना है वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू टोटल
given a lolly into percentage of CU यानी कॉपर, ठीक है। कॉपर का वेट फाइंड करने के लिए टोटल परसेंट कितना दिया था लॉली का, 42% इंटू 6.3 किलोग्राम, इसी में सॉल्व करना था, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन 100 कर देते हैं, 1/100 से रिप्लेस कर देते हैं परसेंट को, इंटू 6.3 किलोग्राम से राइट कर देंगे, ओके। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो गया 2.646 किलोग्राम। कॉपर का वेट निकालने के लिए टोटल गिवन एलॉली दिया गया है परसेंट में, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे अपन 100 से, और जो परसेंटेज दिया गया कॉपर का परसेंटेज रखेंगे, उसके बाद टोटल एलॉली जो दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी 50% ऑफ पीपल इन ए विलेज हैव बीन टू स्कूल इफ देयर आर 4160 पीपल इन द विलेज हाउ मेनी हैड नेवर बीन टू स्कूल। कह रहा है यदि 55% पीपल इन ए विलेज हैव बीन टू स्कूल, यदि ये गांव के 55% व्यक्ति स्कूल में गए हैं, ठीक है, यदि ये गांव में 55% पीपल स्कूल गए हैं, यदि वहां पर पीपल की संख्या 4160 है, ठीक है, तो ये बताइए कितने व्यक्ति स्कूल नहीं गए हैं। क्लियर है, ओके। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं पार्ट सी, ठीक है। टोटल पीपल इन द विलेज लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन विलेज ये दिया गया है 4160। अब उसका हम परसेंटेज निकालेंगे जो दिया गया है, पीपल इन विलेज हैव बीन टू गो स्कूल, ऐसे व्यक्ति ऐसे पीपल का परसेंट जो स्कूल गए हैं कितना परसेंट दिया है 55%, और जहां नहीं गए हैं पीपल इन विलेज हैव नॉट बीन टू गो स्कूल। अब यहां हम उसका परसेंट निकालेंगे जो स्कूल नहीं गए हैं, तो जानते हैं टोटल 100% में ही होता है परसेंट, तो इसमें से 100 में से 55 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ गया 45% जो स्कूल नहीं गए हैं। अब हमें जो निकालना है इसी पर सॉल्व करना है, कि कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ पीपल पूछा जो स्कूल नहीं गए हैं, तो टोटल कितने थे 4160, ठीक है, उसका कितना परसेंट 45% स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4160 इंटू 45% हटाएंगे अपन 100 कर देंगे, 1 × 0 = 1 × 0, 5 × 2 = 10, 9 × 5 = 45, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 208 × 9, 8 × 9 = 72, 9 × 2 = 18, ये हो गया 1872 पीपल जो स्कूल नहीं गए हैं, ओके। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पार्ट पर, डी पार्ट। 72 आउट ऑफ 80 स्टूडेंट पास्ड एन एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैड पास्ड। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने फार्मूला बताया था, इज कितना है पार्ट, पार्ट पार्ट अपन होल का लगाइए, पार्ट है 72, होल है 80, पार्ट कितना है 72 है और होल 80 है, उसका परसेंट फाइंड करके अपन 100 कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। कैसे, मैं एक हिंट दे रहा हूं आप लोग लगाइएगा, पार्ट है 72, होल है 80, परसेंट फाइंड करना अपन 100, परसेंट इक्वल टू 72 × 100/80, 1 × 0 = 0, 8 × 9 = 72, x = 9 × 10 = 9, परसेंट 90%। क्लियर है, इसको अच्छे से लिखकर सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट।
ए न्यूट्रिशन बार वेट 35 ग्राम इट कंटेन 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन व्हाट परसेंट ऑफ द बार इन प्रोटीन इज प्रोटीन। तो सेम टाइप से इसको भी है, देखिए टोटल वेट कितना है 35 ग्राम है, पार्ट कितना है 3 ग्राम, 3 अपॉन 35 इक्वल टू एक्स अपॉन 100 जैसे मैंने इसको बताया। सॉल्व कीजिएगा एफ आर इन ए बास्केट ऑफ एप्पल्स एक एप्पल के बास्केट में 3 आउट ऑफ 45 एप्पल्स आर रॉटन 45 सेब में से 3 सेब खराब निकलते हैं ठीक है, तो उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो गुड एप्पल्स का परसेंटेज फाइंड करना इसको देख लेते हैं पार्ट एफ, पार्ट एफ। यदि बताने पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं उस समय आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा कि इस तरह से ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ओके लिखेंगे इन ए बास्केट, इन ए बास्केट ठीक है, बास्केट में टोटल एप्पल्स कितने हैं ये 45 है, रॉटेन कितने हैं 3, तो यहां पर गुड एप्पल कितने हो जाएंगे 45 माइनस 3 इक्वल टू 42। क्लियर है, अब बताइए इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, किसका टोटल कितना है 45 और पार्ट कितना है, फार्मूला यही अप्लाई होगा पार्ट अपॉन होल इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100। पार्ट कितना है 42 है, होल कितना है 45 इक्वल टू एक्स अपॉन 100। क्लियर है, यहां पर एक्स की वैल्यू 45 इंटू एक्स इक्वल टू 42 इंटू 100, एक्स की वैल्यू 4200 अपॉन 45। क्लियर है, इसको कट करेंगे x इक्वल टू 93 इंटू 3%, ये किसका परसेंट है गुड एप्पल्स का ठीक है, गुड एप्पल्स का ये परसेंट है। ओके सॉल्व कीजिए, अगले पार्ट पर चलते हैं, जी पार्ट देखते हैं। अशोक गॉट 80% इन ए टेस्ट विथ 30 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेट रॉन्ग। देखिए परसेंट कितना दिया है 80%, टोटल पार्ट कितना है 30 है, हाउ मेनी इसका ए होल दिया है, कहा गया ए होल है 30 क्वेश्चन होल है और जो पूछा है वो पार्ट पूछा है, तो फार्मूला लगाइएगा डायरेक्ट 80% यानी कि पार्ट पूछा है तो पार्ट लिखिए या फिर एक्स लग दीजिए, उसके बाद कितने क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का परसेंट दिया है 80/100, ये तो होता ही है 0 से 0 एक्स टेंजा 10x। देखिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वन टाइम 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिए, एक्स वन जा एक्स इक्वल टू 8 3 जा 24 क्वेश्चन। क्लियर है, एक्स की वैल्यू जो है 24 क्वेश्चन आ गया। सॉल्व कीजिएगा पार्ट एच देखते हैं, लीला हैज 8 मीटर ऑफ क्लॉथ, वन टेबल क्लॉथ रिक्वायर 1.25 मीटर ऑफ क्लॉथ, इफ सी मेड 4 टेबल क्लॉथ व्हाट परसेंट ऑफ क्लॉथ इज सी लेफ्ट विथ। लीला के पास 8 मीटर कपड़े हैं ठीक है, उसको एक टेबल पर लगाने के लिए 1.25 मीटर कपड़ा आवश्यक है ठीक है, उसको 4 टेबल में लगाना है, तो बताइए उसके पास कितना कपड़ा शेष बच गया। इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एच ठीक है, इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, पार्ट एच, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर है, और यहां पर कितना रिक्वायर है 1 टेबल क्लॉथ रिक्वायर इक्वल टू 1.25, सो 4 टेबल रिक्वायर क्लॉथ इक्वल टू 1.25 इंटू 4, ये हो गया 5.00 मीटर ठीक है। टोटल कपड़ा दिया गया 8 मीटर, उसमें जो एक टेबल का लगता है 1.25 मीटर लगता है, तो 4 टेबल में कितना लग जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है।
अब हम देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट क्लॉथ्स कितने कपड़े बच रहे हैं, टोटल कितने हैं 8 मीटर, अब कितना लग रहा है 5 मीटर, टोटल कितने मीटर बच रहे हैं 3 मीटर लेफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए इसका क्या फाइंड करना है, परसेंट जो लेफ्ट है ये पार्ट है, ठीक है, होल कितना है 8 मीटर, परसेंटेज एक्स है अपान 100, ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे, पार्ट 3 है 3/8 इक्वल टू एक्स अपान 100, तो ये हो गया 100, 3 जा 300 इक्वल टू 8x, साइड में सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 300/8, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 37.5%, क्लियर है, ओके, ये है इसका सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इस एक्सरसाइज में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, ठीक है, अब बच गया है क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम, जिसके अंतर्गत टोटल अभी 8 पार्ट और हैं, ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।